क्या कभी आपने सोचा है कैसे कुछ Amazon प्रोडक्ट्स मैजिकली टॉप पर रैंक करते हैं, बेस्ट सेलर या फिर Amazon चॉइस बन जाते हैं और सबसे ज्यादा सेल भी इन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है? तो इस सुपर सेल का रीजन क्या है? वन ऑफ द मेन रीजन है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। एंड लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है ऑलमोस्ट सभी सेलर्स के लिए, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड दिखाऊंगा लिस्टिंग्स को क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज करने का, वो भी फ्री टूल का यूज करके। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, एल्स फ्यूचर में आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे Sellersprite लिस्टिंग बिल्डर टूल का। तो सबसे पहले आपको अपने Sellersprite डैशबोर्ड में लॉगिन ले लेना है, उसके बाद आपको टूल सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको देखना है लिस्टिंग बिल्डर, जिसके आगे आपको क्लियरली दिखेगा फ्री। ये एब्सोल्युटली फ्री टूल है एंड मैंने देखा है बहुत ही कम टूल्स हैं जो लिस्टिंग क्रिएशन का इस टाइप का टूल आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे लिस्टिंग बिल्डर पे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में आप सबसे पहले यहाँ पे मार्केट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप यूनाइटेड स्टेट्स में सेल कर रहे हैं, जापान में, तो इस हिसाब से आप अपना रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिया में कर रहे हैं तो हम इंडिया को एज एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इंडिया को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्टिंग है, अगर आप लिस्टिंग को ड्राफ्ट करना चाहते हैं, इन प्रोसेस को बीच में रोकना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिएट लिस्टिंग में अगर आप पूरी लिस्टिंग नई एक लिस्टिंग पे काम कर लिया है, नई लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये बटन तब काम आता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़न की वो ओपन हो चुकी हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूके। तो हम इंडिया को एज एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। राइट में आप देख सकते हैं सेव एज ड्राफ्ट, अगर आप पूरी लिस्टिंग्स एक बार में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप इस प्रोसेस को बीच में भी रोक सकते हैं, बाद में आके उस पे काम कर सकते हो, सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं आप लिस्टिंग को। माय लिस्ट में आपको जितनी भी लिस्टिंग्स आपने आज तक बनाई हैं वो लिस्ट यहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है यहां पे कोई भी लिस्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से इस पे क्लिक करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि जो लिस्टिंग हम अभी बना रहे हैं वो यहां पे आ चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको लेफ्ट सेक्शन में हमें यहाँ पे कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे हम अप टू 2000 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि राइट सेक्शन में AI जनरेटर जो टॉगल बटन है वो ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो जो हमारी एडिशनल फील्ड्स है वो बंद हो जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ये सब आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस टॉगल बटन को ऑन करता हूँ तो वो हमसे कुछ थोड़ी सी चीजें और पूछने लगता है, सो दैट वो बेटर लिस्टिंग्स क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, टारगेट ऑडियंस एंड ऑल, तो इनको भी मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटर एसिन और इम्पोर्ट। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसका एसिन नंबर डाल के उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 है जिसको भी मैं आज दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज द ब्रांड चेकर, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर जब हम लिस्टिंग बना रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स के नाम उसमें आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से प्रोबेबल ब्रांड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट बटन इज अपडेट Amazon लिस्टिंग। तो अगर आपने अपना Amazon सेलर सेंटर Sellersprite टूल से इंटीग्रेट किया हुआ है तो आप सिंपली इस बटन को दबा के जितना भी डेटा आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, लिस्टिंग्स का टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गया, बैकएंड सिस्टम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सब आप डायरेक्टली अपने सेलर सेंटर में अपडेट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो जैसे मैंने बोला AI जनरेटेड जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। तो पहली फील्ड है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि उसका कलर क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसके कुछ फीचर्स बता दीजिए, तो इस तरीके से आप चीज़ें बता सकते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है ये आप बता सकते हैं कि वो जैसे गर्ल्स को टारगेटेड है, बॉयज़ को टारगेटेड है, मेन को, विमेन को, उनका एज ग्रुप डाल सकते हैं आप। तो जितनी बेटर आप इन्फॉर्मेशन या जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना बेटर है AI के लिए टू गिव यू द बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल करेक्टर या वर्ड अवॉइड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई ब्रांड नेम है तो वो आप यहाँ पे ब्रांड नेम की फील्ड में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको एंड में लेना है टाइटल के, वो भी आप कर सकते हैं, बट Amazon की गाइडलाइन है कि आप उसको फ्रंट में ही लेंगे, बाय डिफॉल्ट आ भी जाता है अगर आपने एज अ ब्रांड अपने आपको रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। चूज अ टोन, अगर आप लिस्टिंग की टाइप का टोन चूज करना चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग फॉर्मल बने, कैजुअल बने, इंस्पिरेशनल, बोल्ड या एक्सप्लोसिव, तो आप इस टाइप की भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट टाइटल है, इस फील्ड में आपके प्रोडक्ट टाइटल आएगा जनरेट होके। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे गुड पार्ट इज कि यहाँ पे ऑलरेडी Amazon गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स लिखे हुए हैं कि आप 200 करेक्टर्स तक यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट
लिस्टिंग, तो आप देखोगे कि ऊपर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे ऐसे मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये 200 करेक्टर तक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इन जो अपर लिमिट्स हैं, जो थ्रेशोल्ड हैं, इनको इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली इस इग्नोर टॉगल बटन को यूज कर सकते हैं, तो वो आपको वार्निंग नहीं देगा। तो अभी आप ये धीरे धीरे ये चीज़ें जैसे जैसे मैं अभी लिस्टिंग बनाना सिखाऊंगा आपको, आपको वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द बुलेट पॉइंट्स, आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, 3 एंड 4, 5 सब आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है एंड फाइनली द सर्च टर्म, ठीक है। कूल, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। तो लेट सपोज मेरा जो आज का प्रोडक्ट है वो मैं मान के चलता हूँ योगा मैट्स, तो हम योगा मैट्स को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे चाहिए वो चाहिए होंगे कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स आप कैसे निकाल सकते हैं, कीवर्ड्स को आप गेट सजेशन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं माई लिस्ट में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है योगा मैट्स के नाम से, जिसमें 317 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाले थे, ये इसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं सेलर्सप्राइट कीवर्ड्स रिसर्च ट्यूटोरियल को, सो दैट आपको यहाँ पे वो कीवर्ड डंप मिल जाए। तो आप लास्ट वीडियो में ये देख सकते हैं कि कीवर्ड कैसे निकाल लें, और अब आज देख सकते हैं कि उन कीवर्ड्स का यूज करके लिस्टिंग कैसे बनानी है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम यहीं से इस पे सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड टू बैंक कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड में पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसमें सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, वो 317 कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब द गुड पार्ट इज कि आप देखोगे यहाँ पे वर्ड्स आ चुके हैं, सिंगल सिंगल वर्ड्स, ठीक है। नीचे फ्रेजेस के तरीके से भी कीवर्ड्स आ चुके हैं, योगा मैट फॉर विमेन, योगा मैट फॉर किड, योगा मैट 6 mm। ऑब्वियसली आपके जो मैट्स के डायमेंशन है वो भी मैटर करेंगे, तो अगर आप इससे बड़े छोटा बेच रहे हैं तो आपको वो डायमेंशन अपने फाइनल लिस्टिंग में चेकअप करना पड़ेगा। नीचे आएंगे एंड इस तरीके से सारी चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे कलर कोड की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस हो चाहे वर्ड्स हो, कलर कोड्स में फ्रेजेस का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर में वेरिएशन है। तो रेड कलर से मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड जिनकी रैंकिंग हाई है, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, जिनका कन्वर्जन रेट हाई है। ऑरेंज कलर में आएंगे तो उनका रिलेटिवली रेड से कम कन्वर्जन रेट है, कम सर्च वॉल्यूम है, एंड सिमिलरली फॉर ब्लू में उनका सबसे कम है। तो इस कलर कोड से आप समझ सकते हैं कि जो मोस्ट वाइटल कीवर्ड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो हमारे रेड कलर वाले हैं, ठीक है। बट हमें यूज सारे करने चाहिए, मिक्स एंड मैच करना चाहिए, खाली हमेशा हाई वॉल्यूम या हाईली कॉम्पिटिटिव में नहीं घुसना है, हमें मिक्स एंड मैच करके लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पे फ्रेजेस विद नो डेटा भी आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारे फ्रेजेस आ रहे हैं, आप चाहो तो इनका सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे इस टॉगल बटन को ऑन करेंगे सर्च वॉल्यूम का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योगा मैट फॉर विमेन जो उसका सर्च वॉल्यूम है वो है 7500, सिमिलरली फॉर किड्स 726। तो इस तरीके से वो नंबर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हाइड यूज का जो फीचर है ये अभी दिख नहीं रहा है, इसको जब हम यूज करेंगे तब आपको दिखेगा, तो अभी मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स कम बैक टू कि अब हमारा डेटा बैंक रेडी हो चुका है, कीवर्ड बैंक रेडी हो चुका है, अभी हम यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, हम योगा मैट सेल कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं योगा मैट फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम ये नॉर्मल सा कीवर्ड लेके चलते हैं। तो टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस में हम लेते हैं मेन विमेन 23 years and above, ठीक है। These are my target audience. Special character to avoid, हम कुछ नहीं करना चाहते। Show brand name, तो brand name अभी मैं blank छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई XYZ brand है या let's suppose amazing brand है, तो आप यहाँ पे brand name में वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको tone अगर select करनी है, जैसे मैंने बताया, आप tone select कर सकते हैं, I will keep it blank। तो इसके बाद आपको simply क्या करना है, generate with AI पे क्लिक कर देना है, और कुछ ही seconds में इन कीवर्ड्स का यूज करके और जो आपने इनपुट्स दिए हैं AI को, उसके बेसिस पे आपके सामने लिस्टिंग्स जनरेट हो जाएंगी, और ये हमारी लिस्टिंग जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल जनरेट हो चुका है, प्रीमियम 6 mm योगा मैट फॉर मेन एंड वीमेन, आइडियल फॉर एक्सरसाइज, इंक्लूड वाइप्स एंड कैरी कवर, परफेक्ट फॉर ऑल एजेस, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ये कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं आपके टाइटल में, योगा मैट फॉर मेन हो रहा है, विमेन हो रहा है, योगा मैट फॉर किड्स हो रहा है, एंड योगा मैट 6 mm हो रहा है। तो आप ये जो मैं लेफ्ट साइड में आपको बताया था कि यहाँ पे हाइड यूज करने का, तो ये फीचर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है हमारा योगा मैट फॉर मेन, ये यूज हो चुका है। इसलिए कितनी बार यूज हुआ है, ये एक बार यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट में एक बार दिख रहा है। योगा मैट कितनी बार यूज हुआ है, ब्रैकेट में एक बार दिख रहा है। अगर आप चाहो कि मेरे को इसको ऑफ करना है, तो आप सिंपली इसको इनेबल करेंगे एंड वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्राइक आउट आपको पता नहीं चलेगा कि आपने वो कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में कितनी बार यूज किया। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको बंद रहने दें, सो दैट आपको पता चले कि आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में कितनी बार यूज किया है। मैं सर्च वॉल्यूम को भी बंद कर देता हूँ, तो आपको बेटर तरीके से दिखेगा कि योगा मैट फॉर मेन एक बार यूज हुआ है। और सिमिलरली आप वर्ड्स को देखना चाहे तो ऊपर देख सकते हैं, वाइप्स एक बार हो चुका है यूज, कवर एक बार यूज हो चुका है, एक्सरसाइज एक बार यूज हो चुका है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टाइटल जनरेट हो गया है, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि प्योरली और एंटायरली
सिर्फ AI पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि AI अपने हिसाब से काम करता है, वो भी अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। मैंने ऐसा अभी तक कोई एक्सटेंसिव टूल नहीं देखा है या एक्सटेंसिव AI नहीं देखी है जो बिल्कुल परफेक्ट हर चीज हर गाइडलाइन को फॉलो करके आपके लिए लिस्टिंग बना रही है। तो आपको एक मैनुअल चेक देना पड़ेगा सो दैट अमेजोन की कोई गाइडलाइन आपसे वॉयलेट ना हो जाए या आप पे फिर अमेजोन एक्शन ले। जैसे अगर मैं बोलूं टाइटल में प्रीमियम लिखा हुआ है, तो अगर प्रीमियम आपका ब्रांड नेम नहीं है तो आप प्रीमियम किसी प्रोडक्ट को नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है एक कस्टमर के लिए जो प्रीमियम है वो दूसरे के लिए ना हो। तो प्रीमियम इज अ एडजेक्टिव जिसको अमेजॉन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली परफेक्ट वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते, राइट? तो इस टाइप के कीवर्ड्स से हमें बचना है अपने लिस्टिंग में यूज करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट इज बुलेट पॉइंट्स। तो हम जनरेट विद AI पे क्लिक करते हैं एंड कुछ ही सेकंड्स में जैसे हमारा टाइटल जनरेट हुआ था, सिमिलरली बुलेट पॉइंट भी जनरेट हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारे बुलेट पॉइंट आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो इसने लिखा है फर्स्ट बुलेट पॉइंट में एक्सपीरियंस अल्टीमेट कंफर्ट विद अवर 6mm योगा मैट, परफेक्ट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, आइडियल फॉर एक्सरसाइज एंड डेली योगा रूटीन्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे कीवर्ड्स यूज हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस उसने बना के दे दिया है। एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि नंबर्स बढ़ चुके हैं, कितनी बार वो यूज हुआ है कीवर्ड। आप नीचे भी देखेंगे कि ज्यादा स्ट्राइक आउट हो चुके हैं, ज्यादा यूज हो चुके हैं। योगा मैट ओवरऑल 10 times यूज हो चुका है इस पूरी लिस्टिंग में, ठीक है? सिमिलरली आप आगे आएंगे तो बुलेट पॉइंट 2 में आप देखोगे रबर योगा मैट का वर्ड का यूज हुआ है, बेस्ट योगा मैट फॉर वुमेन एंड मेन। अब बेस्ट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते अमेजोन के लिए। तो ये सब जो छोटे छोटे चेक है ना, ये आपको देखने पड़ेंगे लिस्टिंग्स को फाइनली अप्रूव करने से पहले एंड फाइनली अमेजॉन सेलर सेंटर में अपलोड करने से पहले, ठीक है? एंड सिमिलरली आपके पांचों बुलेट पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, सिंपली अगेन जनरेट विद AI पे क्लिक कर देंगे। एंड टाइम बचाने के लिए सर्च टर्म भी जनरेट करना है तो मैं हाथ के हाथ गेट सजेशंस पे क्लिक कर देता हूँ और सर्च टर्म मेरे आ चुके हैं। तो ये सर्च टर्म है जो हमें सेलर्सप्राइट की AI ने जनरेट करके दिए हैं, जिनको हम बैकएंड में यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अभी हमारा जनरेट हो रहा है, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तो हम देख सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन जनरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छा खासा बड़ा सा इसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, जैसे मैंने पहले भी बोला, डू रीड योर डिस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट। क्या पता AI ने कुछ ऐसा लिख दिया हो जो आपके प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक्स हो ही ना, ठीक है? तो इस तरीके से आप एंटायर लिस्टिंग्स को स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर मान लेते हैं कि आपको लेट सपोज टाइटल पसंद नहीं आया, ठीक है, अगर आपको लगता है यार ये टाइटल में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है या मेरे को अच्छा नहीं चाहिए, तो आप ट्राई एंड अदर करके भी इसको दूसरा टाइटल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जैसे दूसरा टाइटल जनरेट करके इसने दे दिया है, कुछ थोड़ा सा फेरबदल किया है। इसके अलावा आप बुलेट पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं ट्राई अनदर पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप ओवरऑल एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स AI से बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि माई लिस्ट में मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी लिस्टिंग नहीं है, तो अब क्या है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जिस लिस्टिंग पे हम काम कर रहे थे वो लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है न्यू लिस्टिंग ड्राफ्ट के नाम से। ऑब्वियसली ये अभी इन प्रोसेस है, इसलिए अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पे कि लेट सपोज आपकी ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई है जिसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ कीवर्ड्स निकाले हुए हैं और उसको आप जो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे यूजिंग AI करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं अमेजोन पर और यहाँ पर हम योगा मैट्स सर्च करते हैं। तो योगा मैट्स के आपके बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। तो लेट सपोज ये लाइफ लॉन्ग का योगा मैट है जिसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिस्टिंग को फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको इसका ASIN चाहिए होगा। ASIN लेने का तरीका मैंने बहुत बार बताया, आप ऊपर URL से ले सकते हैं, B से हमेशा शुरू होता है, या प्रोडक्ट डिटेल से ले सकते हैं। तो जो कॉपीड ASIN है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट था उसकी सारी डिटेल, जो टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो सब यहाँ पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है एंड सर्च टर्म ब्लैंक है, ठीक है? तो अगर हम देखते हैं जाके कि इनका डिस्क्रिप्शन इन्होंने डाला है या नहीं डाला है, तो ब्रांड स्टोरी है, बेसिकली इन्होंने A+ का यूज़ किया है तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, एंड सर्च टर्म में शायद इन्होंने यूज़ नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि बैकएंड में ये नहीं आया है। बट स्टिल कोई नहीं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने की सोच रहे हैं इस लिस्टिंग को, ठीक है? तो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है? तो जो हमने कीवर्ड्स जैसे लास्ट टाइम यूज़ किए थे वैसे ही हम गेट सजेशन पे क्लिक करेंगे और हमारे योगा मैट्स के जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास हैं, ठीक है? इनको हम बैंक में ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं कि सभी कीवर्ड्स आ चुके हैं एंड इसके बेसिस पे हमें नॉर्मली अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बैंक में ऐड करने के बाद ही हमें रिजल्ट्स पता चल चुके हैं कि कितने कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, ठीक है? तो इस प्रोडक्ट को हमें फर्दर ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो शायद इन्होंने यूज ना किए हमारे लिस्टिंग में। तो जैसे देख सकते हैं कि इस योगा मैट की जो थिकनेस है दैट इज 4mm, तो हम इसको करेक्टरिस्टिक्स में डालते हैं 4mm, ठीक है? तो ये हमारा लेट सपोज समर एंड विंटर के लिए भी सूटेबल है, तो हमने दोनों कीवर्ड्स यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है?
टारगेट ऑडियंस में इन्होंने मेन वीमेन यूज़ किया है, हम किड्स को भी ले सकते हैं क्योंकि किड्स एक अच्छा कीवर्ड हमें दिख रहा है, ठीक है, हम बॉयज़ एंड गर्ल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई करेक्टर हम अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे लाइफ लॉन्ग जो हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल देते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं कि AI अब हमें क्या कीवर्ड्स जनरेट करके देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे लाइफ लॉन्ग 4 mm योगा मैट फॉर किड्स परफेक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स समर विंटर यूज, एंड इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन इसने क्या किया है कि मेन विमेन एंटी स्लिप जो पहले कीवर्ड्स थे वो हट गए हैं, ठीक है। तो फॉर दैट इज समथिंग कि आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक सारे डालने पड़ेंगे, वो कीवर्ड सारे डालने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। एंड बुलेट पॉइंट्स में भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम जनरेट विद AI करें तो हम देख सकते हैं कि इसने लिख के दिखाया आइडियल फॉर किड्स बॉयज एंड गर्ल्स 4 mm योगा मैट किड्स कीवर्ड्स दिखा रहा है। सेकंड बुलेट पॉइंट में हम देख सकते हैं द फोल्डिंग योगा मैट इज डिजाइन फॉर इजी स्टोरेज, तो इसने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश तो की है एंड नो डाउट इट्स अ गुड टूल कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कोई भी टूल आपके इनपुट्स पे डिपेंड करता है, आप जितना बेटर इनपुट देंगे उतना बेटर वो आउटपुट आपको दे पाएगा, ठीक है। बट जो चैलेंज मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को इंग्लिश का प्रॉब्लम है या उनको समझ नहीं आ रहा होता कि लिस्टिंग्स कैसे बनानी है, तो ये बहुत सही टूल है, फ्री टूल है जिसका यूज़ करके आप एटलीस्ट कुछ बेटर लिस्टिंग बना सकते हैं। आप उसको ब्लाइंडली अपलोड मत करिए सेलर सेंटर पे, लेकिन उसको फर्दर मॉडिफाई करिए। तो लेट सपोज अगर लाइफ लॉन्ग की जो पहला टाइटल था, जो एग्जिस्टिंग टाइटल इन्होंने बनाया हुआ था, वो काफ़ी सही था, ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग योगा मैट्स फॉर मेन एंड वीमेन, लेकिन हमारा ये कीवर्ड मिसिंग है फॉर किड्स, राइट। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक किड्स कॉमा एंड मेन वीमेन, इसमें हम बॉयज गर्ल्स वीमेन एंड मैन, तो इस तरीके से हमारा पूरा कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना खुद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी अपने पूरी लिस्टिंग में, सो दैट आप एक परफेक्ट लिस्टिंग बना पाए जो एक्चुअली अमेजोन पे रैंक हो, जिसको देख के जो कस्टमर है वो कन्विंस हो एंड फाइनली वो आपसे परचेज करे। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेलर्सप्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो ये टूल्स आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री है और कुछ पेड, लेकिन अगर आप सेलर्सप्राइट टूल का पेड वर्जन लेने का सोच रहे हैं तो अभी सेलर्सप्राइट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है जिसमें मंथली प्लान आपको सिर्फ $20 में एंड बेसिक ईयरली प्लान सिर्फ $199 में मिल जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त AM199 कोड यूज करना ना भूलें। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी से जल्दी अवेल करें। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।